रुकिए रुकिए, देखिए देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं हा? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया, मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठा ताकि चिलके हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है, गोद में। मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते तुमको यही रहना पड़ गया। माले माले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले माले? तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता? नहीं। तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा। बांडिया सह लूंगा, जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ के जा रहा है। देखा देखा, चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों अपना ख्याल रखना, और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मैं जबान दे चुका हूँ, जबान वापस ले लो मालिक। लेके जाओ इन भांडों को, इनको अलग करो। सुखी था दिख रहा? अरे बैग ले रहा हूँ। जो बेचारो रड़तो जाए छे। रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा। गुंगा बेरा भी गया, बोझ भी गया और नाव भी मिल गया।